मैम क्या कहोगे? मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और अपनी जितनी कोशिशें हैं वो मन से लगाऊंगी टू इम्प्रूव आर नेचुरल बाउंटी दैट आई टेल पीपल दैट वी हैव राइट इन द सिटी ऑफ मुंबई एंड आई अपील टू ऑल मुंबईकर्स टू कम फॉरवर्ड एंड सेव दिस ट्रेजर दैट वी हैव इन आर मुंबई सिटी. दीज आर ग्रीन लंग्स. दिस इज ऑल वॉट वी हैव एंड वी नीड टू गिव अ ग्रीनर एंड अ बेटर प्लानट टू आर चिल्ड्रन अहेड. थैंक यू गाइज सर. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही और जैसे कि मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी मेहनत करूँगी कि मैं ये मैसेज जो है हमारे मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड फाइनेंस सुधीर मुंगे तिवारी जी जो चाहते हैं कि हमारे नेशनल पार्क को इस लेवल तक ले जाया जाए कि एक्चुअली आप भी यही जानते होंगे और मैं भी ये जानती होंगी कि हम मुंबई में रहते हुए भी हम एक्चुअली हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क को इतनी ज़रा पहचानते नहीं हैं जितनी उसको क्रेडिट और जितनी उसको मिलनी चाहिए, एक हैसियत जो मिलनी चाहिए. तो आई फील ये हमें एक अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी फॉर आर एनवायरनमेंट, फॉर आर वाइल्ड लाइफ एंड वी नीड टू मेक दिस इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजर्स दैट वी हैव इन मुंबई. आपने यहां पे दो दिन इन्वेस्ट किया देखा जो तो फिर क्या कुछ एडवाइस देना चाहे? वो दो दिन नहीं, अभी बहुत सारा समय इन्वेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि मुझे शौक भी है और मैं चाहती भी हूँ कि ये हमारे जो आगे वाली पीढ़ी है जो हमें ये संपत्ति दी गई है वो उसको अच्छी तरह इंजॉय करें, चाहे वो ताज़ा हवा हो या हमारे एनवायरनमेंट हो या हमारी वाइल्ड लाइफ हो. जो मैं समझती हूँ हमारी वाइल्ड लाइफ है और जो हम हैं वो भी एक कारण बनाए गए थे, जो हमारे पशु पक्षी हैं और जो हमारे झाड़ पौधे हैं दे आर ऑल फॉर वन इकोलॉजिकल रीज़न फॉर दिस प्लानट. सो हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए उनको वो रिस्पेक्ट दें क्योंकि दोज आर को इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लानट. थैंक यू.